भारत की ये सबसे बड़ी मटकी है। लोग मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर के भगवान सपड़ा सब... ये तो फेल हो गया तो पास कर देते हैं इसे। माया यही तो पलट दूंगा काया। ऐसे खलनायक जी के संवाद फिल्मों में खलनायक की जो दुर्दशा होती है वो आपने देखी होगी। नायक की जीत होती है, नायक को हीरोइन मिलती है, नायक को सम्मान मिलता है। तो आप सबको फिल्मों से मनोरंजन लेना चाहिए, लेकिन अपने आप को बनाना आप सबको है नायक। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, मजा आ गया बिल्कुल। अबे सुनता तो मैं मास्टर जी की भी नहीं था, डायरेक्टर की भी नहीं सुनता, समझा? देखिए जैसे राम कदम भाई ने बताया कि माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की बात मानना उसका प्रतीक है ये दही हांडी। उसका सम्मान, उसका प्रतीक, उसमें विश्वास है ये दही हांडी। और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, एक बार मैं एक रिटायरमेंट होम पर गया था तो वहां पता चला बहुत सारे लोग अपने माता पिता को वहां छोड़ देते हैं। मैंने कहा आप जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी मजबूरी है अपने माता पिता को यहाँ छोड़ने की, उन्हें इस रिटायरमेंट होम का पता दे दीजिए, और जो जबरदस्ती माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं उनका पता मुझे दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो माँ बाप का आशीर्वाद हम सब के लिए जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ इसके लिए काम करता है, कवच की तरह काम करता है, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाता है। मैं फिल्मों में खलनायक की भूमिका करके स्टार बना, पॉपुलर हुआ, लेकिन आम जिंदगी में, असली जिंदगी में आप सभी की तरह एक आम आदमी एक बहुत माता पिता को, माता पिता के आशीर्वाद को विश्वास रखने वाला मेरे दोस्त डेविड धवन का बेटा है, मेरे लिए भी बेटे की तरह से है, उसकी नई फिल्म सुई धागा लगने वाली है। और तो आप सबको मनोरंजन करने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आने वाला है, और डांस और एक्टिंग दोनों कमाल करता है। एक बार फिर से आप सबको दही हांडी की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करके यहाँ आकर सब लोगों से प्यार हासिल करके बहुत अच्छा लगा। मेरे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और जैसे ये कहा गया है कि दही हांडी प्रतीक है माता पिता के आशीर्वाद का, तो मैं सभी को चाहूंगा अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद हासिल करें। मुझे माता पिता के आशीर्वाद ने ही फिल्म स्टार बनाया है। धन्यवाद।
प्रत्यक्ष करता हे मी पाहिला अशा 27 ऐसे 27 बुरे माँ बाप हैं जिनको बच्चे नहीं संभालते उन बूढ़े माँ बाप को मेरे घर से माचिस के डब्बे से लेके सर के तेल तक आजीवन पूरा अनाज देने का पवित्र काम मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से परमात्मा गुस्से करा के देगा माता स्वप्न कही असे ते अवघ्या अखंड महाराष्ट्र एक कही म्हातारे आई वडील निराधार आई वडील उपाशी झोपता कामा ने एवढं स्वप्न ह्या राम कदमचं आहे घाटकोपर में हमने फ्री में खाना चालू किया भोजन दोपहर को दाल रोटी सब्जी लोणचं किती जणांना माहिती आपण फुकट जेवण चालू केलं तर देशाच्या कुठल्याही भागात कुठल्याही आमदारांना कुठल्याही खासदारांना कुठल्याही नगरसेवकांना बारा ठिकाणी मोफत जेवण सुरू केलंय असं दाखवा आणि तुम्ही सांगाल ते बक्षीस माझ्याकडून घेऊन जा मी एवढ्यासाठी हे सांगतोय की हे जे कोणी पुढारी ऐकत असतील जसं राम कदमने घाटकोपर मध्ये जेवढं जमेल तेवढं जर बारा ठिकाणी राम कहना चाहूंगी आपके बारे में कहना चाहूंगी राम कदम जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से आपने स्लोगन सबके घर घर में पहुंचाया दिस इज सो ट्रू दिस इज सो नाइस ऑफ यू इसी तरह काम करते रहिए आप सभी के लिए अच्छा अच्छा और हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और इसी तरह आपकी सारी बहनें आपके लिए दुआएं करती रहे मेरे लिए भी दुआएं कीजिए थैंक यू सो मच आप पाँचों टाइम नमाज जी पाँचों नहीं उससे लेकिन पाँचों टाइम नमाज पढ़ने से कोई रिलीजियस नहीं मैं नमाज पढ़ना जानता हूँ बहुत अच्छी बात मैं भी जानती हूँ नहीं मैं पहला राम ऐसा हूँ कि रहीम के बारे में पूरा जानता हूँ सवाद धारिया के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा जानवर और 80,000 से ज्यादा तजुर्बे बांट चुका हूँ ऊपर वाले से इतना ही मांगूंगा कि आज तुमने मुझे भाई कह दिया है तो एक न एक दिन तुमको ऑस्कर पुरस्कार मिले यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है